Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing unit and dimension, and this is lecture number 11. I hope you have already watched part 1 to part 10 before watching this part 11. In this lecture, we are going to discuss dimensional analysis. What is the use of dimension and what is the dimensional analysis? So, in dimensional analysis, this is the topic which I have to discuss today. डायमेंशनल एनालिसिस क्या क्या हो सकता है, डायमेंशन की क्या क्या एनालिसिस हो सकती है. तो पहला एक ये हो सकता है, फर्स्ट वन, कि वी कैन चेक द होमोजेनिटी करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन. टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी फॉर्मूला whether they are dimensionally correct or not. If they are dimensionally correct, then formula may be correct. Right now, dimensionally correct means formula may be correct. For example, we know there is a formula S is equal to UT plus half AT square. You know, now LHS is what? In LHS, S is distance and distance is in meters. So only length is there, LHS. LHS has only length. While RHS, what are the RHS? RHS में क्या क्या है? U है, और U की यूनिट क्या है? U है स्पीड, और स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी एल टी का पावर माइनस वन. और फिर है T, टाइम, तो उसकी T है. और फिर हाफ तो कॉन्स्टेंट है. A है, A का डायमेंशन क्या होता है? एल टी का पावर माइनस टू. और T स्क्वायर है, तो T का पावर. तो आर एच एस वेज नथिंग एल्स, बट यहां पर हम लिखेंगे यू टी का मतलब एल टी का पावर माइनस वन इंटू टी. ठीक है, टी का पावर माइनस वन और टी करेंगे तो यहां सिर्फ एल बचेगा, और यहां से मिलेगा एल टी का पावर माइनस टू ए, और टी स्क्वायर मतलब ये टी का पावर टू. ये आ गया हमारा आर एच एस. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां लिख देता हूं. तो यहां पे से मिलेगा L, और यहां से मिलेगा क्या, यहां से भी टी का पावर माइनस टू और टी का पावर प्लस टू, टी का पावर जीरो हो जाएगा. तो यहां से भी मिलेगा L. L प्लस L इज इक्वल टू टू एल. टू कॉन्स्टेंट है, उसकी कोई जरूरत नहीं है. कॉन्स्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 2L है और यहाँ पे 1/2 है. इस कॉन्स्टेंट को नहीं देखना हमें, हमें तो सिर्फ डायमेंशन चेक करना है. तो L plus L is also length plus length is also length. So we can write L. Therefore LHS is equal to RHS. ये LHS जो है वो RHS के बराबर है. तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला सही हो सकता है. न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो किसी चेक करने में, लेकिन वैसे गलत. ये न्यूमेरिकली डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब है कि इसमें क्वांटिटी जो है वो सारे डायमेंशनली सेम. इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को, दोनों एनर्जी ही है, तो दोनों के डायमेंशन क्या सेम है? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. ये दोनों को हम चेक करना चाहते हैं कि दोनों चीजें क्या एनर्जी है, दोनों डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है. तो यहाँ पर दूसरा एक एग्जाम्पल ले लिया, ये है मास. मास का मतलब एम, और भी एल एच एस, ये है एल एच एस लिया है एम, और भी क्या हुआ, एल टी का पावर माइनस वन, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, तो ये मिल गया एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू. ये आ गया एल एच एस. आर एच एस इज एम जी एच. एम का मतलब मास, जी का मतलब एक्सलेशन, एल टी का पावर माइनस टू, एक्सलेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट क्या है एल. तो ये भी हो गया एम एक बार, एल एक यहाँ एक यहाँ, तो एल स्क्वायर और टी का पावर माइनस टू, तो ये भी सेम है. इसका मतलब क्या है कि दे आर डायमेंशनली करेक्ट. तो किसी भी फॉर्मूला को हम इससे पता कर सकते हैं कि वेदर दे आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. तो एक ये फायदा है. दूसरा, डायमेंशन के पता होने से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. तो क्या होता है कि टू एस्टैब्लिश, दूसरी बात है, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज
नाउ कंसीडर दैट कि एक सिंपल पेंडुलम है, ये पेंडुलम का बॉब है और ये बॉब की पोजीशन यहाँ पे है और कभी यहाँ पे है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, दीज आर एक्सट्रीम पोजीशन, और इसमें ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, और यहां से एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड कितना है ये डिपेंड करेगा किस किस चीजों पे, ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये किसी स्ट्रिंग से ये लटका हुआ है, इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस तरीके से ये जाएगा, है ना। तो ये भी इसके पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। सो क्या होगा कि ये इसकी एंगल स्विंग कितना है, एंगल ऑफ स्विंग थीटा, ये तीन चार चीजों पे डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड डिपेंड ऑन टी इज, लेट टी बी द टाइम पीरियड, टी बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, सो टी इज डिपेंड्स ऑन, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो है लेंथ एल है, ये एल है तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल का क्या डायमेंशन होगा, क्या पावर होगा ये नहीं पता, लेकिन एल टू दी पावर ए। टी इज ऑल्सो डायरेक्टली, यानी लेंथ ज्यादा होगा या तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। तो टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करेगा। तो ये हम मान लेते हैं बी, ये एम क्या है, मास ऑफ बॉब, ये मास है इसका एम, मास ऑफ द बॉब। और फिर टाइम किस पे डिपेंड करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, तो उसको हमने सी मान लिया कि उसका पावर सी है। यानी टी डिपेंड करेगा मोटे तौर पे एल एम और जी पे, एक और चीज पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ स्विंग पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी कोई क्वांटिटी यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए डायमेंशन के हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी, और टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी, वेयर के इज डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट। इसकी कोई डायमेंशनलेस डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है ना, जैसे थीटा था तो उसको हमने छोड़ दिया, तो इस तरह से के को भी छोड़ देंगे। अब दोनों तरफ हम डायमेंशनली देखेंगे कि ये बराबर होना चाहिए बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टी एक तरफ है, दूसरी तरफ है एल टू दी पावर ए, फिर एम टू दी पावर बी और मास, और उसके बाद क्या है, जी टू दी पावर सी। अब हम इस इक्वेशन में, और के कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में एलएचएस में क्या है, हमारे पास टी है, और आरएचएस में क्या क्या है, लेंथ है, लेंथ का पावर है ए, मास का पावर है बी, और एक्सेलरेशन होता है एल टी का पावर माइनस टू, और इस पूरे का पावर क्या है, सी। सो दैट विल बी एल टू दी पावर ए, एम टू दी पावर बी, और यहां से मिलेगा एल का पावर सी और टी का पावर माइनस टू सी। एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, तो सिंपली कोई भी कह सकता है कि बेस सेम हो तो पावर को प्लस कर देते हैं, एम का पावर बी और टी का पावर माइनस टू सी। इधर में क्या है, सिर्फ टी है, एम है नहीं, मतलब पावर जीरो है। तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग अगर करें तो क्या मिलेगा, टी का पावर माइनस टू सी इज इक्वल टू टी का पावर वन, सो सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, बी इज इक्वल टू वॉट, जीरो, क्योंकि एम का पावर इधर भी कुछ नहीं है, जीरो है, और ए प्लस सी भी जीरो होगा, एल इधर भी नहीं है, सो ए प्लस सी इज ऑल्सो जीरो, ए प्लस सी इज ऑल्सो जीरो। इसका मतलब हुआ ए इज इक्वल टू माइनस सी, और सी क्या है, माइनस हाफ, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज इक्वल टू आ गया हाफ। अब यहां पे रख देते हैं इस इक्वेशन में, सो टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्या था, एल का पावर ए, एल का पावर ए, ए का मतलब हाफ, एम का पावर जीरो यानी ये, और टी का पावर माइनस टू था, टी का पावर क्या था, सी था, सी का वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई टू, एम का पावर जीरो उसको हटा दिया, के एल का मतलब क्या होता है, पावर हाफ का मतलब होता है रूट, रूट एल, और ये पावर टी हाफ नीचे चला जाएगा, ये हम कह सकते हैं इसको कि टी नीचे चला जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा
ठीक है, तो ये हो जाएगा टी का पावर ठीक है, यहां पे मिल गया एल का पावर हाफ अपॉन टी का पावर नीचे हाफ, और एम तो जीरो हो गया, यानी ये कह सकते हैं के इंटू अंडर रूट एल बाई टी, और ये हो गया टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, ये जी था एल बाई जी, ये होता है, और ये एक रिलेशन आ गया, बट ये के की वैल्यू बाय एक्सपेरिमेंट इट इज कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ के इज 2 पाई, ठीक है, इसलिए हो गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड का ये रिलेशन हम स्टेब्लिश कर पाए, अलग अलग वेरिएबल था हमारे पास, इन अलग अलग वेरिएबल के हिसाब से हमने रिलेशन एक स्टेब्लिश कर लिया और किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो एक ये चीज हो सकती है कि हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और डायमेंशनली ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से वो रिलेटेड है और उनके पावर कितने हैं, ये भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर सकते हैं, एक और न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का जो यूजुअली बच्चों को पूछे जाते हैं स्कूल में या वैसे कोई इंटरेस्ट के लिए पूछ सकता है, कि आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो होता है, और ये जब कोई बॉडी स्पीड से चल रहा होता है तो उसके मास वेरिएबल होता है, ये बात आइंस्टीन ने बताई थी, और उसके लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया था कि एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है वैसे, लेकिन ये पता करना है कि इसमें ये अगर डायमेंशनली आप चेक करके बताएं कि सी कहाँ होगा। हेयर सी इज मिसिंग, फाइंड द प्लेस ऑफ सी, फाइंड द प्लेस ऑफ सी एंड करेक्ट द फॉर्मूला, करेक्ट द फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन, यूजिंग डायमेंशन। ये कुछ ऐसा हम कह सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है किताबों में, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं। एम क्या है, वेयर एम इज मास एट एनी टाइम टाइम, ठीक है ना, दैट इज वेरिएबल मास, वेरिएबल मास। और एम नॉट क्या है, ये है रेस्ट मास, रेस्ट मास मतलब बॉडी जब रेस्ट में है तब उसकी मास क्या है, और ये जब वेरिएबल मास है वेलोसिटी में। तो अगर इसे हम डायमेंशनली चेक करें तो सी कहाँ हो सकता है, ध्यान से देखो, इस एम को हम इधर ले आए तो एम अपॉन एम नॉट हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 1 अपॉन, चाहे एम नॉट अपॉन एम कर लो ऐसे, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे एम नॉट अपॉन एम कर लो, एम नॉट अपॉन एम इधर ले आऊं तो ये उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। इधर में सेम क्वांटिटी है तो कोई डायमेंशन नहीं है, इधर इधर कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट भी नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है, मास मास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर डायमेंशन लेस हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, 1 माइनस वी स्क्वायर इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना चाहिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि आर एच एस डायमेंशन लेस है, और ये तभी संभव है कि वी जो है वो और सी जो है एक दूसरे को कैंसिल करे, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ वी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज डायमेंशन लेस, डायमेंशनलेस, तो सी स्क्वायर यहाँ पे नीचे होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला होना चाहिए कि दिस फॉर्मूला कैन बी इन फॉर्म ऑफ व्हाट, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी लेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई, अब हम थोड़ी सी और इसमें बात कर लेते हैं, और वो बात ये है कि ये डायमेंशन की लिमिटेशंस भी है,
तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस, नाउ वी विल डिस्कस लिमिट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है ये हमें जानना है, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है ना, इस डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशन, क्या ऐसा है जो कि इससे पता नहीं चल सकता। तो आप देख रहे हैं कि हम कांस्टेंट को छोड़ दे रहे थे, यानी कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लायर क्या होगा, ये इससे पता नहीं चलेगा। तो पहली कमी तो यही हो गई कि इट सप्लाइज, इट डू नॉट सप्लाई एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस लेस कॉन्स्टेंट विच इज टू बी डेराइव ईदर बाई मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन डेरिवेशन और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं। दूसरी कि अगर किसी फॉर्मूला में मान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको ये वेरीफाई नहीं कर सकता। सो दिस इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू पावर फंक्शन ओनली, पावर फंक्शन ऑफ बेस यूनिट ओनली, इट इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू ए फंक्शन हैज ट्रिगोनोमेट्रिक मेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई है ना, कि इसमें किसी में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो उसको हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते और हम पता भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीसरी बात क्या हो, दिस मेथड इज फेल्स टू डेराइव ए रिलेशन व्हेन टू और मोर लाइक क्वांटिटीज इन्वॉल्व, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक लाइक क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो उसमें ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने में नाकाम रहा है। इट कैन चेक वेदर द रिलेशन इज डायरेक्ट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, रिलेशन गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट। इट कैन नॉट चेक वेदर इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट और नॉट, कैन नॉट चेक वेदर इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट और नॉट, इट कैन नॉट चेक वेदर इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट और नॉट, एब्सोल्यूटली करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ और भी कह सकते हो, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/4 AT² ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, राइट, डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट एक्चुअली करेक्ट, है ना।
ये इसकी ड्रॉबैक है, डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट एक्चुअली करेक्ट, एक्चुअली करेक्ट। द करेक्ट रिलेशन इज, करेक्ट रिलेशन इज, करेक्ट रिलेशन इज व्हाट? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सब जो है सिर्फ न्यूमेरिकल जहां पर भी इन्वॉल्व है उसके बारे में चेक नहीं कर सकते। चार पांच ये इसकी लिमिटेशंस है, फिर भी अच्छा है। जो चीजें हमने सीखा वो काफी बेहतर है, और डायमेंशन एनालिसिस में इतनी सी बात आपको सीखनी है। ये सारी बातें आप सीख चुके होंगे उम्मीद है, और ये सब सीखने के बाद अब ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। इसमें थोड़े न्यूमेरिकल हम और करेंगे, और कोई क्वेश्चन का जवाब जो आपको चाहिए वो भी हम देंगे, और उसके लिए अगली क्लास में बात करेंगे। तो जो भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होगा तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगली क्लास में देंगे, और उसके लिए डिस्कशन होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा बुकलेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको भी आप अच्छी तरह से कर लें, कोई भी दिक्कत हो तो उसे लेकर के आए, ठीक है। चैप्टर खत्म हुआ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आई होप आपको मजा आया होगा, आप हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो एक बार दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो हम आपकी सेवा में बैठे हैं, जब चाहें आप हमें मेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और क्लास में भी पूछ सकते हैं, और ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। सारे असाइनमेंट करने के बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे इस चैप्टर में, और जेई के लिए जो है इसमें बहुत कुछ रहता है उसके लिए अलग से क्लासेज इसके लिए लगाई जाएगी। अभी ये हमने सिर्फ और सिर्फ स्कूल और बोर्ड को ध्यान में रख करके पढ़ाया है, एक बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश की है। अब इसके एप्लीकेशन के जो क्वेश्चंस हैं जो जेई मेन और एडवांस के लिए पूछे जा सकते हैं उनके लिए अलग से क्लासेस में लगाई जाएगी, और उस क्लास में हम उसके एडवांस लेवल के जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, और उसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। बट लेवल 1 जो है वो पूरा हुआ, और इससे आपका इससे बाहर स्कूल में कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, ठीक है ना। तो स्कूल के एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको पढ़ा दिया, जो सिलेबस है सीबीएसई का। इसमें कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से आप आंसर लिख पाएंगे, एक अच्छी कंसेप्ट आपकी डेवलप हो गई है, और बाकी कोई अभी डाउट होगी तो उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल की क्लास लगेगी, और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जाएगा। टिल देन गॉड ब्लेस, बाय बाय।